नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही मनपसंद YouTube चैनल पे। आज आपके बीच में एक नए टॉपिक के साथ आया हुआ हूं। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो बिल्कुल मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपसे मिस ना हो। क्योंकि जैसे आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि रोज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में आ रहा हूं और आपके जीवन में वो सारी चीजें बता रहा हूं कि जिसको छोटे छोटे स्टेप में बता रहा हूं, जिसको आप फॉलो करके पूरे जीवन को बदल सकते हैं और आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। क्योंकि इसी चीजों पर कार्य करते हुए मैं अपने जीवन को बदल रहा हूं। तो आज का टॉपिक जैसे आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है क्षमा। आज 19वां दिन है। आज का जो टॉपिक है ये आपके जीवन में बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि जब आप किसी महान लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है किसी महान लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपके साथ में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटेंगी जो शायद आपने प्लान ना किया हो, ईश्वर ने प्लान किया है। क्योंकि जब आप महान लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे तो महानता साबित करने के लिए बहुत सारे अवरोध आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको विपरीत परिस्थितियों में आपकी परीक्षा लेंगे। कि जब हालात अच्छे नहीं होंगे, जब सिचुएशन अच्छी नहीं होगी, तब बहुत सारे लोग आपके साथ गलत कर देंगे। तो उस समय आपकी महानता सिद्ध करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है क्षमा कर दें, ऐसे लोगों को माफ कर दें, ऐसे लोगों पर क्षमा करें, दया करें। क्योंकि उनको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका उद्देश्य जीवन में बहुत बड़ा करना है। आप जीवन में महानता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो उसी बीच में एक बहुत ही मजबूत कड़ी आती है। क्योंकि करोड़पति बनना, सफल होना, ये तो एक प्रोसेस है, लेकिन उस प्रोसेस के बीच में जो आप बन करके निकलेंगे ना, वो सबसे बड़ी बात होगी। तो आप अपने जीवन में एक चीज को गांठ बांध लें कि आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जब आपके पैर को खींचेंगे, आप सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग आपको रोकने के लिए आएंगे। उस वक्त आप उन पर गुस्सा ना करें, क्योंकि गुस्सा करना स्वाभाविक है, लाजमी है, लेकिन आप उनको क्षमा कर दें। आप उनको क्षमा करेंगे तो आप पाएंगे कि आप अपने आप को एक बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे, बहुत बड़ा चेंज लाएंगे और अपने जीवन को आप उस दिशा में पाएंगे जिस दिशा में आपने कभी सोचा नहीं होगा। आप उठा करके देखें, बहुत सारे समझदार, बहुत सारे महान लोग जिन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए, विपरीत से विपरीत परिस्थिति में उनके साथ लोगों ने धोखा दिया। बहुत सारे ऐसे लोग जो इतिहास गवाह है कि उनके साथ में धोखा हुआ, लेकिन उन्होंने अपने आप को, उन लोगों को क्षमा करते हुए आगे बढ़े और बाद में वही धोखा उनके लिए वरदान साबित हो गया। आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा नाम संदीप महेश्वरी जी, आज के डेट में बहुत बड़े फेमस हैं, यूट्यूब पे बहुत बड़े फॉलोअर्स लोग उनके हैं और एक सफल जीवन उन्होंने जिया। एक समय लाइफ में उन्होंने जब अपना इवेंट कंपनी स्टार्ट किया था तो उनके कुछ दोस्तों ने उनको धोखा दिया। उस वक्त उन्होंने जो सीखा और उन्होंने किसी वीडियो में बताया भी है कि जीवन की सबसे बड़ी सफलता यही सीख थी कि उन्होंने उस सफलता की, उस असफलता की वजह से, उस धोखे की वजह से बहुत कुछ सीखा और लाइफ चेंज हुई उनकी और उन्होंने कहा कि उन्होंने उनको क्षमा कर दिया। तो ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे, बहुत सारे लोग आपके जीवन में आएंगे जो विरोध करेंगे, जो रोकेंगे, लेकिन आप उनको क्षमा कर दें, क्योंकि वो लोग ईश्वर के द्वारा निर्मित आपको और मजबूत करने के लिए आते हैं। क्योंकि महान लोग महान तब बनते हैं जब विपरीत परिस्थिति में उनके सामने ऐसे ऐसे अवसर आते हैं और उस पे वो उनको क्षमा करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ, अपने मार्ग की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मेरा बिल्कुल आपसे यही गुजारिश है कि आप अपने जीवन में जो भी लक्ष्य बनाए हैं, जो भी उद्देश्य बनाए हैं, जो भी टारगेट बनाए हैं, उस पर आप आगे बढ़ें। और आपको अगर बहुत सारे जो अवरोध आते हैं, जो लोग इस तरह से करते हैं आपके साथ में, उनको आप क्षमा करें, आगे बढ़ें, कल को वही सारे लोग आपकी बढ़ाई करेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही, कल एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर से आता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियोस अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों तक ये पहुंच सके। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद है।